हेलो बच्चों, रेसिडेंट एजुकेशन क्वेश्चन सेज इफ ए द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ 5 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज प्लस माइनस 1 अपॉन 5, ऑप्शन बी इज प्लस माइनस 1 अपॉन 25, ऑप्शन सी इज प्लस माइनस 1, ऑप्शन डी इज प्लस माइनस 25। तो यहां पर हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। इसे फाइंड करने के लिए जो हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास कितना गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए, ये वैल्यू क्या होती है हमारी, के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है। यहाँ पर जो एन है हमारा क्या, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन हमारा क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और ए हमारी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, तो ये 5 के पावर कितना जाएगा हमारे पास, 3, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल और इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, 5। सिंपल इसको 5 क्यूब से डिवाइड कर देंगे और यहाँ ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 3, बिकॉज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास और इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना जाएगा हमारा 2, तो 1 अपॉन कितना जाएगा, सॉरी 1 अपॉन 25। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस का 1/5 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।